कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो क्या है इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग के लिए कौन कौन सी शर्तें जरूरी हैं? उन शर्तों में सबसे पहली शर्त है कि मामले का पहले कॉग्निजेंस हो, क्या हो, कॉग्निजेंस हो, संज्ञान हो। अब देखो थोड़ा सा इसे और समझो, मैंने आपको एक सेक्शन बनाया बताया था ना 156 क्लॉज 3 है ना, 156 क्लॉज 3 में क्या था कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी तो 154(3) में आप एसपी के चले गए, एसपी ने भी कुछ नहीं किया तो फिर आप तब हम मजिस्ट्रेट के पास चले गए। अब जब हम मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो मजिस्ट्रेट दो काम करता है, या तो कॉग्निजेंस लेता है और या कॉग्निजेंस नहीं लेता, नॉट टेकन कॉग्निजेंस, दो में से एक काम किया। अब लिखा, मान लो क्या लिखा, एक लाइन लिखी, कार्यवाही कर या अन्वेषण कर कार्यवाही रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए, इस न्यायालय के समक्ष, चलो इसी पे आ जाओ 156(3) पे। 156(3) में क्या कहा मजिस्ट्रेट ने, अन्वेषण कर कार्यवाही रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष किया। तो अन्वेषण करेगा कैसे, इन्वेस्टिगेशन का सीड क्या है, टू लॉज द एफआईआर, तो एफआईआर लॉज की। तो देखो पता है यहां क्या हुआ, मजिस्ट्रेट डिडंट टेक कॉग्निजेंस, मजिस्ट्रेट ने यहां पे कॉग्निजेंस नहीं लिया, क्या नहीं लिया, तो क्या समझ में आया, कॉग्निजेंस का अर्थ समझ में आ रहा है कि यहां पे तो आप एक एप्लीकेशन लेके गए साहब, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, ना एफआईआर दर्ज हो रही ना कुछ हो रही, तो उसने एक लाइन का ऑर्डर लिखा, अन्वेषण कर कार्यवाही रिपोर्ट पेश करो, तो एक लाइन का ऑर्डर है बस, ज्यादा होता भी नहीं है। अब जाते ही वो पहुंच जाएगा थाने, थाने वाला तत्काल एफआईआर दर्ज कर लेगा, उस जो 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 पूरी की पूरी एप्लीकेशन वहां लिखी थी ना उसी एप्लीकेशन को दर्ज कर लेगा, उसको दर्ज करके फिर इन्वेस्टिगेट करेगा, आईओ बनेगा, सब होगा वही, और फिर जाके रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट पेश की जाए, रिपोर्ट पेश करें तो रिपोर्ट का मतलब है पुलिस रिपोर्ट पेश की जाए 173(2) की रिपोर्ट। तो क्या समझ में आया कि उस मामले में कॉग्निजेंस लिया ही नहीं गया। तो आपको कॉग्निजेंस शब्द समझ में आ गया क्या, संज्ञान नहीं लिया गया। संज्ञान लेने का मतलब है व्हेन मजिस्ट्रेट स्टार्ट्स टू अप्लाई प्रोसीजर ऑफ सीआरपीसी, सीआरपीसी के कानूनों को शुरू कर देता है लागू करना, और क्या शुरू करता है, आईपीसी की है तो आईपीसी जो भी एक्ट है, तो कानून को प्रयोग को यूज करना, उसको बोलते हैं संज्ञान, उसी को बोलते हैं न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग करना, क्या बोलते हैं, न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग करना, समझ में आ गया, ये एक शब्द संज्ञान शब्द में आ गया। अब बात आती है कि कब लेता है, तो पहली शर्त तो क्या है कि किसी भी मामले के लिए 190 की शर्त, पहली शर्त है, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर इनिशिएशन के लिए, क्रिमिनल कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए पहली शर्त क्या है, संज्ञान, क्या है पहली शर्त, संज्ञान या कॉग्निजेंस। ये पहली शर्त है। अब पहली शर्त दे रखी है कि संज्ञान लेगा, कैसे लेगा, किस किस आधार पर लेगा, तो एक सेक्शन है 190, क्या है 190, इसमें 190 में मजिस्ट्रेट के द्वारा, किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लेने की बात कही गई है। अब यहां पे जो संज्ञान ले रहा है तो तीन क्लॉज हैं इसके, क्लॉज 1 क्या किस बात पर कह रहा है, परिवाद पर, इसमें परिवाद पर, किस पे,
परिवाद पर। देखो 156(3) जब मैं बता रहा था तो यार कॉग्निजेंस वही ले लेता, बोले सर पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, आप ही करो ना कुछ, चलो ठीक है हम कॉग्निजेंस ले लेते हैं। क्या करता, सबको समन कर देता, बुलाता और ट्रायल प्रारंभ कर सकता था। तो जो इन्वेस्टिगेशन का काम था, इन्वेस्टिगेशन का काम क्या था, एविडेंस इकट्ठे करके मजिस्ट्रेट तक पहुंचाना। तो जब खुद ही लेके आदमी आ गया एविडेंस और उस एविडेंस पर मजिस्ट्रेट ने रिलाई कर लिया तो पुलिस को छोड़ दिया, चल छोड़ पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे वाले एविडेंस के आधार पर पनिश करेंगे। समझ में आई बात? तो वो टाइम भी नहीं लगेगा, टाइम भी बच गया एफआईआर की। तो पहला कहा इसने कंप्लेंट या परिवाद पर, दूसरा कहा इसने इसका पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट कौन सी वाली है, 173(2), इसी को बोलते हो चालान, इसी को बोलते हो चार्जशीट, इसी को बोलते हो पुलिस रिपोर्ट। समझ में आ गया? और तीसरी चीज है, देखो अन्य व्यक्ति की सूचना, इंफॉर्मेशन ऑफ अदर पार्टी, अदर पर्सन और एवं या स्वप्रेरणा, सुमोटो, स्वप्रेरणा या सुमोटो, यहां दो बात दे रखी है, अन्य व्यक्ति की सूचना पर या स्वप्रेरणा से। जैसे अन्य व्यक्ति की सूचना की चलते हैं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन ऑफ अदर पर्सन। एक बार क्या हुआ, ये दातारामगढ़ की घटना है, एक आदमी था एक्स, इसकी एक बेटी थी और एक बेटा था, और इसकी एक मदर थी, बूढ़ी मदर, और ये आदमी मजदूर था। पिता की इसके डेथ हो गई थी और इसकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी, वाइफ की डेथ हो गई थी। अब ये मजदूरी करने चला गया कच्चे झोंपड़े में, जिसकी मदर बच्चों के लिए इसके लिए खाना बना रही थी। ये बच्ची जो थी 10-12 साल की एज की थी, तो ये बच्चा कहने लगा, जैसे वो माँ दादी वो रोटी उतार रही थी कि मैं पहले लूंगी मैं पहले बनूंगा, तो बेटा बेटी दोनों लड़ रहे थे, तो बेटा छोटा था, दादी ने लड़की को फटकार दिया। सामान्य तौर पर लड़कियों को ही फटकारते हैं, ये भी है, लड़कों से ज्यादा प्रेम करते हैं, ये ऐसा नहीं है, महिलाएं भी ऐसा ही करती हैं। मैं तो अपनी माँ को देखता हूं, मेरी बहनों से, मेरी 5 बहनें हैं, 5 बहन 4 भाई पूरे हैं, तो वो सबसे ज्यादा मेरे को लाइक करेगी। तो एक स्वाभाविक है, नेचर है। तो इसने भी ऐसे ही किया, दादी ने क्या किया, एक लकड़ी मार दी लड़की की तरफ, तो लड़की नाराज होके दौड़ गई और गुस्से में दौड़ी दौड़ी गई, और पास में ही एक कुआ था, उस कुएं में कूद गई और लड़की की डेथ हो गई। कुआ में पानी वानी ज्यादा था नहीं, कीचड़ वीचड़ रही होगी, कुछ रहा होगा, डेथ हो गई। इसके घर में के पास ही एक दूसरा मजदूर रहता था, जिसकी हमेशा ही लड़ाई रहती थी इससे, ये खट से थाने पहुंच गया। पुलिस वाले आए, लड़की को बाहर निकाला और उन्होंने कहा कैसे से हुआ। अच्छा, ये था ही नहीं काम करने गया, इसने क्या किया, पुलिस वालों ने कुछ किया नहीं ना, तो एक कंप्लेंट लेके मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया।
ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कि आपका किसी भी ऑफेंस में आपका पीड़ित होना जरूरी नहीं है। पीड़ित वाले भी एग्जाम्पल है, वो आपके जैसे विवाह वगैरह के संबंध में तो वहां पीड़ित होने की बात है, यहां पीड़ित होना जरूरी नहीं है। आप फटे में पैर अड़ा सकते हो, ये एक्ट यही कहता है। आप दूसरे की तरफ से एफआईआर दर्ज करा सकते हो, आपका पीड़ित होना जरूरी नहीं है। तो इसने क्या किया, एक इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को दी कि सर ये अब ये तो था ही नहीं। हो इसने कहा कि इसकी मदन ने इस लड़की को ले जाके कुएं में पटक दिया था। अब मदर मदर के ऊपर मदर चक्कर में आएगी तो ये परेशान तो होगा ही सही। भारत में भारत भारतीय मन ज्वेलसी का मन है, उनने कहा कुछ नहीं है तो परेशान तो होगा ही। मतलब संतोष होता है उसको, हर आदमी ऐसी स्थिति में है कि जब दूसरा तड़प रहा हो तो उसे बड़ी खुशी होगी। हाँ ठीक है, ये स्थिति ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं में है, आप सब में भी है, हम में भी है। जैसे नंबर थोड़े से ज्यादा आया तो अच्छा उसके ज्यादा है तो आप नाराज हो जाते हो, एक नंबर पे ही पुराना परेशान हो जाते हो। पर परेशान होना भी चाहिए, ठीक है, इस बहाने आप थोड़ा पढ़ाई करते हो, ठीक है ना। दौड़ में तो आप भी लगे हुए हो, उसी में अंतर कोई विशेष नहीं है। पढ़ाई की दौड़ में भी ऐसे लगना, वही बात तो वही है। तो ऐसे ही इसने तो उन्हें परेशान हो गए, तो मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया। अब कॉग्निजेंस ले लिया लेकिन इसकी बात पर ज्यादा रिलाई नहीं किया, बाई की बात पर। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, 202 में पुलिस से इस प्रक्रिया की जांच करा लेते हैं कि वाकई में हुआ क्या था। तो पुलिस ने रिपोर्ट दे दी कि साहब ये बच्ची ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे गिर गई थी, और उन्होंने इसके कंप्लेंट को रद्द कर दिया। तो समझ में आई कि अन्य व्यक्ति की, मैं क्योंकि डिटेल जब 200 पे पढ़ रहे होंगे वहां इसी एग्जाम्पल को 200 के टाइम पे लेंगे, 200 200 200, ठीक है। तो अन्य व्यक्ति की सूचना पर भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है किसका है। जैसे एक बार अखबार में, और खैर मैंने तो मोबाइल पे देखा, एक आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गालियां दे रहा, बहुत बुरी बुरी गालियां। तो हमने उस वीडियो को निकाला, कहां का था उससे मतलब नहीं है, 182 है ना, आज ही पढ़ाया था ना 182, तो जहां हमें पता लगी हमने उसे निकाल लिया, वीडियो निकाल लिया। मैंने, मेरे ये एक स्टूडेंट है रतनु जी, अच्छे बहुत क्रिमिनल के बहुत टॉप एडवोकेट है, तो मैंने रतनु जी को कहा, मैं रतनु जी इस पर कॉग्निजेंस कराना है। अरे सर छोड़ो, कहाँ ले, नहीं नहीं छोड़ना नहीं है, पूरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही लेना देना नहीं है। मैंने कहा उसे लेना देना नहीं है, हमारी तो आहत हो रही है भावना, भाई हमारे देश के चीफ जस्टिस को कोई गाली दे तो करा दिया हमने उसको। तो उसके आधार पर ही, तो अन्य व्यक्ति की सूचना पर, वो पता लगा यूपी का कोई नेता था और वो पढ़ा लिखा नेता था नहीं, तो बोले मुझे तो पता ही नहीं था ऐसे गाली देने पर पुलिस पकड़ती है। खैर उसे माफी वाफी मांग ली और कैसे न कैसे फिर है स्वप्रेरणा से, स्वप्रेरणा से जैसे मजिस्ट्रेट को पता लगता है तो मजिस्ट्रेट को ये अधिकार है कि वो खुद भी ले सकता है स्वप्रेरणा से। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे एक बार क्या हुआ जयपुर में ही, जयपुर में ही हुआ कि एक मजिस्ट्रेट थे, मजिस्ट्रेट थे, और लोगों ने क्या किया कि जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो अलग अलग स्थानों पर ये कहा कि एक बार हम राजधानी के तौर पर एक दो दिन की राजधानी बीकानेर को बनाएंगे, एक दिन जोधपुर, एक दिन ऐसे ऐसे, उन्होंने संभाग स्तर पर ये रखा। तो उसी समय 15 अगस्त आ गई, तो 15 अगस्त पे उन्होंने कहा हम झंडारोहण वहां करेंगे बीकानेर में।
बीकानेर में करेंगे तो लोग जो जयपुर के प्रेमी थे बोलेगा नहीं नहीं SMS में हम करेंगे, तुम नहीं है मुख्यमंत्री नहीं है तो क्या हो गया, हम कर लेंगे। तो लोग झंडारोहण के लिए चले, झंडारोहण के लिए चले तो पुलिस ने लाठी चला दी। जब लाठी चला दी तो भगदड़ मच गई, भगदड़ में वो झंडे वंडे जमीन पर गिर गए, झंडे जमीन पर गिर गए तो झंडों के ऊपर पैर आ रहे थे। तो लाठी चलाई SP ने और ADM के आदेश पर, तो ADM के आदेश पर और SP ने चलाई तो मजिस्ट्रेट ने देखा, अखबार में पढ़ा, अच्छा जाके कॉग्निजेंस लेके मजिस्ट्रेट को, उसको ADM को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और SP को, दोनों को बुला लिया। उन्होंने कैसे चलाई लाठी और जमीन पर झंडा कैसे पड़े थे। फिर अब वो डिस्ट्रिक्ट जज है वैसे तो जिन्होंने ऐसा किया था, तो फिर SP और कलेक्टर आनाकानी करते थे आने जाने में। तो उन्होंने एक दिन CBI के SP को बुलाया, बोले ये आ नहीं रहे कोर्ट में, बार बार कई डेट हो गई, इनको लेके आओ। तो CBI का जो SP था वो कहने लगा, सर हम तो दिल्ली स्थापना वाला जो एक्ट है उससे बने हुए हैं, इसलिए हम आपका आदेश नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अभी चालानी गार्ड बुलाओ, इस SP को अरेस्ट करो। CBI वाले उसके तो हाथ पैर ही उखड़ गए। उन्होंने कहा सॉरी सर, कल लेके आ जाऊंगा। बोले 10 बजे तक लेके आ जाना था SP को और ADM को, आपको बता रहा हूँ मजिस्ट्रेट कितनी पावर होती है। वो 9:30 बजे खड़ा था दोनों को पकड़ के, बोले सर हम आ जाएंगे, आगे प्रोसीड करो। उन्होंने माफिया मांगी तब जाके, उन्हें उन्होंने कहा आइंदा मत करना ऐसा। तो वो कहां से हुआ, 190 में सुमोटो किया उन्होंने, ऐसे उन्होंने ही किया था। ये दूसरा मामला भी, तो वो TV देख रहे थे, शिल्पा शेट्टी बिग ब्रदर्स में नाम हुआ था उसका बहुत ज्यादा, एक कार्यक्रम चला था बिग ब्रदर्स के नाम से। तो उसे पूछ रहा था पत्रकार कि आप इतनी इंटरनेशनल फेम की लेडी हो और अमिताभ बच्चन जी के पास ज्यादा काम है, आपके पास नहीं है। तो उसने कहा काम के लिए तो बहुत फील्डिंग करनी होती है और वो फील्डिंग वो कर लेते हैं, मैं नहीं करती। फिर ऐसे इस तरह के बहुत सारे इंटरव्यू आ रहे थे। तो जिसमें फेमस हुई थी, तो वो हीरो आया था यहाँ पर, रिचर्ड गेयर अमेरिका का हीरो था। तो वो जब आया इंडिया तो कोई पत्रकार क्वेश्चन आंसर दोनों से कर रहा था, और जब दोनों से कर रहा था तो वो खड़ा हुआ और शिल्पा शेट्टी को किस करने लगा। शिल्पा शेट्टी भी हंस रही थी, उसे तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन जज साहब को दिक्कत हुई, क्योंकि IPC क्या कह रही है कि देखने वाले कामोद्दीपक हो जाए। तो जज साहब को लगा कि ये क्रिया तो कामोद्दीपक वाली है, तो उन्होंने तत्काल आदेश दे दिया। दूसरे दिन कोर्ट में पहुंचते ही कि रिचर्ड गेयर इंडिया नहीं छोड़ने पाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जहां सारे के सारे एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट हो गया, जैसे ही वो बंबई से फ्लैट लेने वाला था, उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते अब यहाँ इंडिया छोड़ के। बोले क्यों, मैंने क्या किया है। उन्होंने कहा कल शिल्पा शेट्टी को किस किया था ना। बोले वो तो नाराज हुई नहीं थी, उसे तो कुछ कहा ही नहीं, वो तो मेरी दोस्त है। बोले होगी दोस्त, जज साहब थोड़ी दोस्त हैं आपके, जज साहब हमारे नाराज हो गए हैं आपके खिलाफ, जयपुर में मुकदमा दर्ज हो गया है। और ऐसा ही नहीं है, एक अकेले यहाँ नहीं हुआ, नोएडा में भी हो गया और पटना में भी हो गया, दो मजिस्ट्रेट और नाराज हुए हैं। बोले भाई आगे नहीं आऊंगा आइंदा। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, से बोले जी मैं तीन तीन जगह कहाँ जाऊंगा, एक जगह ही कर दो। बोले ठीक है नोएडा कर देते, नोएडा वाले के कर दिया। तो नोएडा वाले से बोला कि आइंदा मैं इंडिया आऊंगा ही नहीं। बोले आइंदा मत करना। बोले आऊंगा ही नहीं सर, मुझे नहीं पता था कि आपका कानून इतना खतरनाक। तो ये समझ में आया, ये सुप्रेरणा से हुए घटनाक्रम थे। तो मैंने दो चीजों पे, बाकी तो आपको पता था, अन्य व्यक्ति की सूचना और सुप्रेरणा वाले पे मैंने, सुमोटो वाले पे मैंने आपको जो दो एग्जाम्पल अभी बता दिए हैं। अब देखो नेक्स्ट है, ये जो अन्य व्यक्ति की सूचना या इतला, इन पे एक और चीज है। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वहां भी पुलिस होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में,
वो वहां पुलिस रिपोर्ट थोड़ी पेश करती है। जैसे सलमान खान भारत मां जोधपुर में आया, उसने हिरण मार दिए, तो जो एक्शन लिया था वो पुलिस ने थोड़ी लिया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लिया था। तो जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले वो भी इसी में करते हैं, 190 क्लॉज 3 में, समझ में आ गया 190 क्लॉज 3। अब आता है इसमें, ये क्लॉज 1 के हिस्से हैं ये, और एक क्लॉज 2 है, इसमें भी एक बात दे रखी है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें ये दे रखा है कि जो मजिस्ट्रेट है ना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, ऐसे अपराध जिनकी जांच विचार करना उनकी क्षमता के अंदर है, उपधारा 1 के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है, तो सीजेएम को ये पावर दे रखी है। किसको दे रखी है? सीजेएम को पावर दे रखी है कि वो किसी भी अपने सबॉर्डिनेट जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वो भी कॉग्निजेंस ले ले। ये 190 समझ में आ गया सबके? अब चलते हैं 193 पे, 192 से पहले 193 पे चलेंगे एक बार। सेशन न्यायालय, ये जो पावर है किसकी है? मजिस्ट्रेट की, कंप्लेंट पर और इस पे मजिस्ट्रेट की है। प्रश्न उठता है कि क्या सेशन न्यायालय को भी कॉग्निजेंस लेने की पावर है क्या? तो वो 193 में है, सेशन न्यायालय भी कॉग्निजेंस ले सकता है, तो कौन से सेक्शन में कर सकता है? 193 में। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या 193 में 190 की तरह ले सकता है? ना, 190 की तरह नहीं ले सकता। कैसे लेगा? मजिस्ट्रेट ने जब सुपुर्द किया है तो। मामले को क्या किया है? कमिट किया है तो लेगा। अन्यथा नहीं लेगा। तो एक तरह से क्या समझ में आया कि कभी कभी कोई पूछे कि सेशन जज कौन से सेक्शन में कॉग्निजेंस लेता है, तो 193 में। मजिस्ट्रेट कौन से सेक्शन में कॉग्निजेंस लेता है? 190 में। मजिस्ट्रेट क्या इन आधारों पर कॉग्निजेंस ले सकता है? ये तो है मजिस्ट्रेट के। क्या सेशन जज ले सकता है? नहीं, सेशन जज लेगा कि जब इसको सुपुर्द करे। कब ले? सुपुर्द करे। फिर प्रश्न उठता है क्या कॉग्निजेंस ये सेशन जज कभी डायरेक्ट भी ले सकता है क्या? ले सकता है। कब ले सकता है? 199 वाले मामलों में। सेक्शन 199 है। कौन सा सेक्शन है? अब 199 क्या है? जैसे एक आदमी है, मान लो कोई मुस्लिम बहुत नाराज हो गया मोदी जी की स्पीच पर, और चौराहे पे खड़े हुए खड़े गालियां दे रहा है, और इतना ज्यादा नाराज हो गया मां बहनों की गालियों पे उतर आया, और यही भूल गया प्रधानमंत्री जी हैं। तो ऐसे आदमी को, तभी वहां होकर पीपी जा रहा था, अच्छा तो पीपी क्या करेगा? सीधे ही परिवाद दाखिल कर देगा। क्या कर देगा? परिवाद दाखिल कर देगा। तो क्या समझ में आया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई पब्लिक सर्वेंट, इस तरह के जो मामले हैं और उनकी मानहानि के संबंध में कोई इस तरह का कार्य कर रहा है, तो सीधे ही सेशन जज के यहां पर एक कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, और मजिस्ट्रेट की तरह ही कंप्लेंट, उस कंप्लेंट में मजिस्ट्रेट की तरह ही सेशन जज कॉग्निजेंस ले सकता है। समझ में आ गया? तो ये दोनों सेक्शन किसके थे? कॉग्निजेंस के। किसके थे? कॉग्निजेंस के। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट समझो कि जब भी मजिस्ट्रेट स्वप्रेरणा से कॉग्निजेंस लेता है तो उस व्यक्ति को बुलाता है कि अच्छा जी बताओ, मैंने तुम्हारे खिलाफ कॉग्निजेंस तो ले लिया, अब ये बताओ कि ये ट्रायल तुम मुझसे ही कराना चाहते हो या किसी और के पास भेजना चाहते हो? बोले सर आपने तो कॉग्निजेंस लिया है, आप तो एक पार्टी की तरह कॉग्निजेंस ले रहे हो, तो आप सही कैसे करोगे? एक काम करो, दूसरे मजिस्ट्रेट साहब के भेज दो। क्या कर दो? दूसरे मजिस्ट्रेट साहब के भेज दो। तो वो दूसरे मजिस्ट्रेट साहब के अंतर्गत कर दिया जाता है। वही जज साहब जिनके बारे में अभी चर्चा कर रहा था मैं, एक बार क्या हुआ, जयपुर की घटना है, उन जज साहब की कोर्ट में केस था, और हरियाणा का बदमाश था, उस बदमाश को, हरियाणा के बदमाश को
हरियाणा के बदमाश को लेकर दो कांस्टेबल जयपुर आए, उनकी कोर्ट में पेश किया। तो उन्होंने कहा कि चलो इनको जेसी ले जाओ, तो वहां से ऑर्डर कर दिया जेसी के लिए, जुडिशियल कस्टडी के लिए। अब हरियाणा, तीनों ही हरियाणा के थे, तो जो बदमाश था बोले यार वैसे तो कोई बात नहीं, हथकड़ी तुमने डाली रखी है, लेकिन जयपुर में आए तो कम से कम जयपुर को तो देख ले, चलो घूमने चलते हैं। तो उनके भी दिमाग में आ गया, बोले एक काम करते हैं यार, पैदल पैदल जेल कितनी दूर है यहां से, किसी ने कहा 4 किलोमीटर है, बोले 4 किलोमीटर तो जयपुर देखेंगे, पैदल पैदल ही चलते हैं। तो तीनों बीच में वो अभियुक्त और दोनों कांस्टेबल साथ साथ पैदल पैदल एमआई रोड होते हुए पैदल पैदल जा रहे थे, कहीं कोई लस्सी पी रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और उन्होंने टाइम वहां बजा दिए 6-7। अब 7 बजे जेल पे लेकर पहुंच गए। अब उन्होंने कहा कि सर ये कोर्ट का ऑर्डर है और इनको ले लीजिए। अब उन्होंने कहा 7 बज रहे हैं, 5 बजे बाद कोई एंट्री नहीं ले सकते हम, अब नहीं ले सकते। अब उन्होंने दोनों ने दिमाग लगाया कि यार अब ये 5 बजे बाद नहीं लेंगे तो एक काम करें, कल 10 बजे जमा करा देंगे इस आदमी को इसमें। तो उन्होंने थैला निकाला, अपनी चद्दर निकाली, और जेल के सामने ही खाली जगह पड़ी है बहुत सारी, जेल के सामने ही हथकड़ी उसके पड़ी रही थी, अपने भी हथकड़ी डाल ली दोनों ने, और वो तीनों लेट गए वही जेल के सामने। जब जेल के सामने लेट गए, फिर 10 बजे फिर दोबारा पहुंचे कि भाई साहब ये कल हम आए थे 5 बजे तो लेट हो गए थे, तो आपने लिया नहीं था, अब देखो लो। उन्होंने कहा ये तो डेट कल की है, हम आज कैसे लेंगे। अब उनका दिमाग खराब हो गया, उन्होंने कहा कल की डेट के, बोले हम तो नहीं ले रहे, तो कल लाना था, डेट ही गलत है। अब वो भूल गए सारा कि अब जयपुर देखना। अब वो सीधे लेके उसको फिर वही कोर्ट में पहुंच गए, तो बोले के जज साहब ने कहा, बोले कल ऑर्डर किया था, लिया क्यों नहीं। अब वो क्या है कि थोड़े से ज्यादा होशियार थे, हरियाणवी में बताने लगे, सर वो आपको ऐसे ऐसे गाली दे रहे, ऐसे ऐसे जज बना दिए हैं कि टाइम का ही ध्यान नहीं रहता, ये नहीं देता। अब ये तो नहीं बताया कि हम लेट पहुंचे थे, और वो सुप्रिंटेंडेंट तो आपको बहुत ही बुरी बुरी गालियां दे रहा था, तो ऑर्डर तो सही करके भेज दिया, और उन्होंने आदेश की पालना न करने पर उसके जो सुप्रिंटेंडेंट था, जेल सुप्रिंटेंडेंट को, उसको बुला लिया। अब सुमोटो ले लिया कॉग्निजेंस, जब सुमोटो कॉग्निजेंस लिया तो बोले के भाई बताओ मेरे से ही कराना चाहते हो, और या कोर्ट के ऑर्डर की पालना में जेल तो जाना ही पड़ेगा, ऐसे बोल दिया उन्होंने। तो वो समझ गया कि बोले सर दूसरी कोर्ट में कर दो, दूसरी कोर्ट में भी कर दिया उन्होंने, करके उसको भी बोल दिया, उनका इसको जेल भेज। बोले ठीक है सर आने दो। अब वो जब आया तो उसे पता लग गया कि उन्हें अरेस्ट करेगा, अभी ये मजिस्ट्रेट अरेस्ट करेगा, मानेगा नहीं। तो अभी जो मेरे एक स्टूडेंट हैं, जज हैं, उनके वो रिलेटिव लगते थे, उन्होंने कहा यार ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने कहा ऐसा है वो अलग टाइप के हैं, फिर भी चल मैं होके आता हूँ। उन्होंने कहा सर ये लोक सेवक है और ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा लोक सेवक तो पता है, अभियुक्त को लेके तो आओ, है कहाँ वो। बोले सर वो मैं पेश कर दूंगा। बोले नहीं नहीं लेके आओ आप, पहले कोर्ट में लाओ, जब बात करेंगे, अभी मैं कोई जमानत नहीं, जरा पहले कोर्ट में तो लाओ। अब उन्हें लगा कि यार ये कोर्ट में पहुंचते ही अरेस्ट करा लेगा, अरेस्ट करा के जेल भेज देगा। तो एक बड़े सीनियर एडवोकेट थे, उन्हें लेके पहुंचे कि सर वो पब्लिक सर्वेंट है, जमानत दे दीजिए इसमें। उन्होंने कहा अभियुक्त को लेके आओ ना पहले आप, कि कोई अभियुक्त को लाना जरूरी थोड़े हम आ गए हैं ना। उन्होंने कहा अभी आपके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं अभियुक्त को भगाने की। वो वकील साहब तो कह डेथ हो गई उनकी, सुराणा जी थे वो, तो उनके भाड़ में जाने थे, मैं तो जा रहा हूँ, वो तो चल दिया उन्होंने। अब क्या है कि हालत खराब हो गई। अब फिर एक और जज साहब थे, एक एडी जी थे, उन्होंने कहा यार ऐसे ऐसे हुआ। बोले यार वो तो ऐसे ही करेंगे, तो अब क्या करें।
तो जाके डीजे साहब के पास पहुंचे, वो डीजे साहब वो जेल भेज के आज ही जेल भेज देंगे। डीजे साहब ने फिर एक ऑर्डर निकाला कि वो फाइल मेरी कोर्ट में लेके आई जाए, और फिर उन्होंने उसमें से जमानत वमानत दे के अपने यहाँ कोर्ट में मंगा ली, मंगाने का पूरा राइट है उनको, और किसी दूसरे को दे दी। फिर ऐसे करके उनका बचा हुआ उस समय जमानत मिली। ये घटना, ये दोनों घटना, वो भी रिटायर हो गए जो सुप्रिंटेंडेंट साहब थे, और वो केस अभी तक चल रहा है। अच्छा, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, ये घटनाओं को, इन कहानियों को सुन सुन के आपको कैसा लगता है? आपको उत्साह तो आ रहा होगा कि क्या पावर होती है ना? पावरफुल पोस्ट तो है ही सही। इस सीआरपीसी में जो सबसे ज्यादा पावर दे रखी है ना, वो मजिस्ट्रेट ही है। सबसे ज्यादा पावरफुल मजिस्ट्रेट को ही बना रखा है यहाँ। तो 192, सॉरी 191, 191 मैंने आपको बता दिया कि 1C में, कौन से में, ये सी है, ए बी सी है ये, ठीक है ना। 1C में जैसे ही वो लेते हैं तो फिर वो ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे के, उसे पूछते हैं एक तरह से कि किसकी कोर्ट में जाना है। घड़ी इतनी तेजी से भागती है, मैं सोचता है 192। अब देखो, एक तो सीजीएम, सीजीएम सीजीएम को 192 में ये पावर दे रखी है कि कॉग्निजेंस लेकर वो मामले को अपने किसी भी अधीनस्थ को भेज सकता है। कॉग्निजेंस लेकर, खुद ने कॉग्निजेंस लिया और आगे प्रोसीड करने के लिए भेज सकता है किसी को भी। नेक्स्ट, एक सौ तिरानवे मैंने आपको बताई दिया। अब देखो क्या होता है, अभी मैंने आपको 193 बताया, तो 193 में तो एक सिर्फ एक शर्त बता रखी है कि जब तक सेशन जज को मामले को नहीं भेजोगे तब तक वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा, एक कंडीशन है ये। तो सेशन जज समझते हो ना, जैसे सिविल मामलों में डिस्ट्रिक्ट जज, आप देखोगे कभी, आपने कभी नेम प्लेट देखी हो तो लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मतलब दो पोस्ट लिखी हुई है, उसका मतलब जिला न्यायाधीश है और सत्र न्यायाधीश है। मतलब जिला न्यायाधीश है और जिला सत्र न्यायाधीश है, वो दो पोस्ट लिखी हुई है, ठीक है ना। तो एक तरह से जिले की वो टॉप पोस्ट है। तो क्रिमिनल मामलों में सेशन जज और सिविल मामलों में डिस्ट्रिक्ट जज टॉप पे। जो सेशन जज है उसके नीचे एडिशनल सेशन जज होते हैं, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कौन से, एडिशनल सेशन जज, एडीजे। एडीजे कहोगे तो वो सिविल मामला हो जाएगा, एडीजे नहीं बोलना है, एडिशनल सेशन जज, तो एएसजे। अब बात अलग है कि एएसजे को लोग बोलते नहीं, सीधे सीधे बोलते हैं एडीजे, लेकिन वो है कौन, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कौन है वो। तो सेशन जज या तो खुद सुने या अपने किसी भी अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को मामले को सुनवाई करने के लिए दे सकता है, ठीक है, यही बात यहां लिखी हुई है। क्या लिखा ना, अपर सेशन जज और सहायक सेशन न्यायाधीश 194 में।
एक चीज और है, कभी कभी मान लो हाई कोर्ट ने भेजा है कोई मामला, तो हाई कोर्ट भी, हाई कोर्ट खुद नहीं सुनना और हाई कोर्ट ने कोई मामला किसी सेशन जज को के लिए भेजा है, तो अभी 194 में सुनवाई की बात कही गई है। तो क्या समझ में आया कि एक तो हाई डिस्ट्रिक्ट बॉस सेशन जज भेज सकता है या हाई कोर्ट भेज सकता है, तो उन्हें सुनवाई करनी है। नोट्स में से ही पढ़ना इतना ही नहीं, वरना देखो ये जो सीआरपीसी के सेक्शन है ना, इनमें नंबर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, ये कहने की जरूरत नहीं कि इसमें ये वाला सेक्शन आएगा ये वाला सेक्शन, ये नहीं, ये तो नंबर्स में लिखे हुए हैं इसलिए हमें नंबर पढ़ने पड़ रहे हैं। 193 कुछ नहीं है, 193 तो सिर्फ एक ये बता रहा है कि जब तक उसे सुपुर्द नहीं किया तब तक आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। 194 ये कह रहा है कि जो सेशन जज को सुपुर्द किए गए हैं, या तो सेशन जज स्वयं सुने या किसी अधीनस्थ को दे दे। इसके अलावा हाई कोर्ट के द्वारा भी भेजे गए केसेस को भी सेशन जज, एडिशनल सेशन जज या सेशन जज को भेज सकते हैं। देखो आईपीसी में कुछ सेक्शन दे रखे हैं 172 से 188 तक के, आईपीसी में 172 से, वो जो हमने पढ़े थे लोक न्याय से संबंधित नहीं, हाँ पब्लिक जस्टिस वाले जो सेक्शन थे, तो उनका या तो कोई उन केसेस का या तो कमीशन हो या उनका अबेटमेंट हो या उनकी कॉन्स्पिरेसी हो, वो सारे के सारे केसेस आ जाएंगे इसी में। तो उनका तरीका 195 में दे रखा है, इसमें एक लाइन ही है आपके काम की कि जो लोक न्याय वाले मामले हैं ना, तब तक कॉग्निजेंस नहीं होगा जब तक कि जिसके अधीन है उसकी कंप्लेंट नहीं आई हो। कंप्लेंट केस है ये, अर्थात एफआईआर दर्ज नहीं होगी इसमें। 172 से 188 तक के मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होगी। जैसे मान लो अब आप एक आईपीसी लाए हो, देखो 188 निकालो, मान लो यहां होके एसपी जा रहा है, वो नीचे कार खड़ी है, उनका हटा इसको, बोले नहीं हटा रहे तो क्या कर लेगा, तो वो क्या करेगा, 188 का यूज करेगा। क्या कर रहे हो आप, जो पब्लिक सर्वेंट है उसी की बात की अवज्ञा कर रहे हो। उसने आदेश दिया हटा जहां से गाड़ी, आपने देखा ना पुलिस आती है तो भाग जाते हैं, तो क्यों भाग जाते, कोई ऐसे अड़ भी सकता है ना कि बोले नहीं हटा रहे क्या करोगे, तो वो क्या करोगे, ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा करता है ना तो 188 यूज करेगा। तो उसके लिए क्या है, एक परिवाद सीधे ही वो कहेगा, अपने मान लो नीचे कोई अधिकारी है अपने हायर अथॉरिटी वाले से कहेगा कि अच्छा सर वो ऐसे से हुआ, बोले ठीक है कंप्लेंट पेश कर देते, तो कंप्लेंट पेश कर देंगे तो वहां सीधे कार्रवाई हो जाएगी, एफआईआर दर्ज और ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट खत्म हो गया। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना, वो आपके लिए जो आपसे पूछी जाती है 195 में, वो एक ही लाइन है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे आप कोर्ट में गए, अब जज साहब कोर्ट में बैठे हैं, अब जज साहब से आपने बोले सर मैं बहुत टाइम हो गया सुबह का बैठा हूं, अभी आज तक आपने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने कहा खड़े रहो बाहर थोड़ी देर में करेंगे। अब आप भड़क गए, उन्होंने कहा आपको फ्री में तनख्वाह मिलती है, सुबह से बैठे हो कोई काम नहीं कर रहे, कभी फोन पे लग रहे हो कभी कुछ लग रहे हो, किससे बोल रहे हैं ऐसे, जज साहब से। जज साहब बोले कि अभी वैसे ही मानोगे पिट के जाओगे। अब जज साहब ने भी अभद्र भाषा यूज कर ली, अब जज साहब को कोर्ट में ही गालियां दे दी, तो जज साहब क्या करेंगे। एक ऑप्शन तो है उनके पास, खुद ही अरेस्ट करा लें, खुद करा सकते हैं।
अब मान लो वो आदमी वकील है तो जज साहब भी वकीलों से घबराते हैं, उन्हें अरेस्ट कराएंगे तो सारे समूह आ जाएगा और पता लगा कोर्ट को डेड कर देंगे, सारी कोर्ट्स को नहीं चलने देंगे तो क्या करेंगे? एक लिखित परिवाद, अब वो कोर्ट भी तो किसी न किसी कोर्ट के कैंपस में आती है, एक मजिस्ट्रेट तो उस कोर्ट का भी है ना भाई, वो थाने किसी न किसी थाने के अंडर में आती है, जैसे बनी पार कोर्ट है, किसी न किसी थाने के अंडर में आती कि नहीं आती? तो वो थाना किसी को मजिस्ट्रेट के अंडर में आता हुआ, तो उस कोर्ट में क्या करेंगे? उस कोर्ट में लिख के परिवाद भेजे ये वकील साहब के खिलाफ ये, तो वहां पर वो सीधे कॉग्निजेंस ले लेगा। किस पे आया कॉग्निजेंस? लिखित परिवाद पर। किस पे आया? ऐसे जैसे मान लो एक आदमी गया एसपी साहब से कहा कि सर मुझे को छुट्टी चाहिए, थानेदार ने क्या कहा? छुट्टी चाहिए। बोले कोई नहीं, बार बार छुट्टियां मांगता रहता है भाई यहां से। बोले नहीं सर, छुट्टी तो चाहिए ही चाहिए। थाने की तरह से चल बाहर। बोले जाता हूं सर अभी। अंदर से ही, अब एक ही तो है, अंदर से रूम बंद किया, चिटकनी लगाई और खूब पीटा। उन्होंने कहा सर किसी को बताना मत, तो आपकी बहुत बेइज्जती होगी, मेरा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। और फिर चिटकनी खोद। अब ये सब घटनाएं बता रहा हूं जो हुई हुई हैं। अब एसपी के पास क्या ऑप्शन है? एसपी थाने में एफआईआर दर्ज कराने जाएगा भाई, पिटाई का क्या करे? अब एसपी तो इतना हष्टपुष्ट होगा नहीं, क्योंकि पढ़ने लिखने वाला लड़का है, आईएएस का एग्जाम दिया, आईपीएस बना। और थानेदार तो कांस्टेबल से थानेदार बना है, दंड पेली है, हष्टपुष्ट है, तो पीट पाट दिया एसपी को। और ये और कह रहा है कि सर बताना मत किसी को, मेरी तो कुछ भी बेइज्जती नहीं होगी, आप कुछ कहोगे तो, लेकिन आपकी बहुत होगी। तो सोचते थे, अब उसके पास क्या ऑप्शन है? उसके पास एक ही ऑप्शन है कि एक लिखित परिवाद मजिस्ट्रेट को भेज दे। अब पता है क्या हुआ? वहां सजा ही करते हैं, लिखित परिवाद पर कोई एविडेंस नहीं होते कि तूने पीटा था, पहले कौन से गाल पे थप्पड़ मारा था, इधर मारा था, इधर मारा था, ये कुछ नहीं होगा वहां। एसपी का लिखित परिवाद आया है तो जेल जाएंगे, किसी भी लोक सेवक के लिए। तो ये 172 से 188 तक के जो सेक्शन है ना, लोक न्याय के, पब्लिक जस्टिस के हैं ये इसलिए तो घबराते हैं इनसे सब, इनके साथ अभद्रता नहीं कर सकते, अधिकारियों के साथ अभद्रता करने के लिए ये सेक्शन बने हुए हैं। तो इनमें कैसे होता है, इनके इस मामले में कॉग्निजेंस कैसे होता है? तो एक लाइन में पूरा 195 किस में? लिखित परिवाद पर। तो लिखित परिवाद या तो उसकी का है या उसके जिसके अंडर में प्रशासनिक तौर पर हेड का भी आ जाएगा। किसका? जो उसका एक तरह से विभाग का अध्यक्ष है उसका भी लिखित परिवाद आ जाएगा। जैसे मान लो नीचे का अधिकारी है, उसने तो उनके भाड़ में जान दो, बदमाश है, मैं तो नहीं करा रहा कुछ भी, लेकिन बड़ा अधिकारी फिर भी एक्शन ले सकता है। समझ में आ गया आपके सबके? बाकी आप लोग इसको पढ़ लेना, ज्यादा इम्पोर्टेंट इतना ही है। जैसे एक और 195 है, जैसे कभी कभी देखा ना साक्षियों से कहा किसी ने कि देख मेरे खिलाफ एविडेंस देने गया ना तो समझ ले हाथ पैर तोड़ दूंगा। तो 195 उसमें भी परिवाद दाखिल हो जाएगा। कुछ मामलों में जब तक सैंक्शन नहीं मिली है ना, अनुमति, तब तक कॉग्निजेंस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अनुमति के बिना। अब अनुमति किसकी? राज्य सरकार की। तो इसमें जो कॉग्निजेंस होता है राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व सहमति पर ही होता है। अब ये कौन से ऑफेंसेस हैं? ये जो ऑफेंसेस आप देखोगे नोट्स में देखो, 153 ए, 153 बी, 108 ए, 505, 502, 120 बी, पता है क्या है इनमें? आपके दिमाग में नहीं आता यार हेट स्पीच चल रही है, ये चल रही है, कोई भी एफआईआर दर्ज करा दे, अरेस्ट कर ले। अरे अरेस्ट तो तब करोगे ना जब तक जिला मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं ले रखी है, तब तक एफआईआर दर्ज कराओगे कैसे? कोई कॉग्निजेंस ही नहीं ले सकती, कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकती है।
कौन करेगा, जिला मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट। अब आपने मान लो किसी बड़े नेता के खिलाफ जो बीजेपी का है, राजस्थान में ही आपने एफआईआर दर्ज कराने के लिए एफआईआर दर्ज करा दी, एफआईआर भी हो जाएगी, सब हो जाएगी, कोर्ट में मामला पहुंच जाएगा, तो न्यायालय चाहकर भी उस नेता के खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि बिना राज्य की सरकार के अनुमति के कोर्ट को राइट ही नहीं है कॉग्निजेंस लेने का। अन्यथा आपके दिमाग में आता होगा कि यार इतनी सारी होती हैं और फिर भी पुलिस कुछ करती नहीं है, कुछ होता ही नहीं इनके खिलाफ, एक्ट ही बना रखा है ना उन्होंने ऐसा, इसलिए कुछ होता नहीं उनके खिलाफ। जिला मजिस्ट्रेट कौन है? उन्हीं का होता है। ऐसे ही एक सेक्शन है 197 जो आपके काम का है ना, मैं नोट्स में निकाल रखा है आपको अलग से। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट और लोक सेवकों द्वारा चाहे वो पद पर हों या पूर्व में रहे हैं अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान किए गए कारण संबंधित अपराधों में अभियोजन का संज्ञान तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि संबंधित केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से न्यायालय में पेश न कर दिया गया हो। तो जब तक 197 में जब तक कि कॉग्निजेंस तभी होगा जब अनुमति मिल गई है स्टेट की गवर्नमेंट से, अन्यथा नहीं होगा। आपने देखा है ना कई बार बड़े से बड़ा आदमी मान लो उसमें पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ा गया, तो रंगे हाथ पकड़ा गया पुलिस क्या करेगी? न्यायालय में रख देगी। न्यायालय में न्यायाधीश कब उसके कॉग्निजेंस लेगा? 197 की सैंक्शन के बाद। तो यदि राज्य सरकार की कोई सैंक्शन नहीं आई है तो मुकदमा पड़ा रहेगा, कोई काम का नहीं है, सैंक्शन नहीं आई। इस सैंक्शन वाले मामले में जैसे सुब्रमण्यम स्वामी का जो केस है उस केस में भी आया था, कुछ मामलों में सैंक्शन खत्म कर दी। जैसे मान लो पब्लिक सर्वेंट है, अब पब्लिक सर्वेंट ने कहीं रेप कर दिया, अब क्या सरकार से कॉग्निजेंस लेने का तभी एक्शन होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कुछ मामलों में नहीं, जैसे करप्शन या रेप या हत्या, इन सब में किसी कॉग्निजेंस लेने के लिए राज्य सरकार की अनुमति नहीं चाहिए, सीधे कॉग्निजेंस हो जाएगा, सीधे ही कॉग्निजेंस हो जाएगा। नोट्स में देखो, एक विवाह के विरुद्ध अपराधों के अभियोजन, विवाह के विरुद्ध अपराध समझते हो? मैं एक चैप्टर पढ़ा था ना विवाह के विरुद्ध अपराधों से संबंधित आईपीसी में, चैप्टर 20, तो उसमें कौन कौन से विवाह के विरुद्ध हैं, जैसे एडल्ट्री है, बाइगैमी है। तो मैंने आपको बताया था ना, इनमें कोई कोई आदमी चला गया, मान लो कोई महिला है उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, तो क्या एफआईआर दर्ज करा सकती है? नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं होगी। क्या होगी? कंप्लेंट फाइल होगी मजिस्ट्रेट के यहाँ, मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट फाइल किए बिना इन अपराधों में कुछ नहीं होगा, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। 198 में क्या दिया हुआ है कि ऐसे जो विवाह के हैं तो विवाह का पीड़ित पक्ष का क्या लेके आएगा, नहीं तो कोई भी आदमी क्या करता, एफआईआर दर्ज करा देता। अभी इस यही तरह का, ऐसे तो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई भी आदमी एफआईआर दर्ज करा के बैठ जाता और पब्लिक सर्वेंट से जाके थानेदार जाके कलेक्टर को धमकाता, ज्यादा होशियार बन रहे हो, आपके खिलाफ मेरे पास एफआईआर आ रखी है, तो क्यों नहीं हो सकती? 197, 196 ये कंट्रोल करते हैं, ये सिस्टम इसलिए कंट्रोल्ड है, इनमें एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं होती। क्या आएगा? कंप्लेंट आएगी। ऐसे ही विवाह वाले मामले में विवाह के जितने भी विवाह संस्था के विरुद्ध कोई अपराध है उन सब सारे के सारे अपराधों में कंप्लेंट आएगी, कोई पुलिस पर कार्रवाई
नहीं हो सकती। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है जिसका प्रिव्यू जो बता रखा है, जहां मान लो अवयस्क है, पागल है, विकसित है या कोई प्रदानिसीन औरत है, तो कोई भी व्यक्ति उनकी ओर से कंप्लेंट ला सकता है, कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट ला सकता है। जैसे अब जैसे 494 495 देखे थे ना, 494 आईपीसी के, यदि कोई आदमी अपनी 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ बलात्कार करता है तो पत्नी को 1 वर्ष के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रवाद पेश करना होगा। यहाँ लिमिटेशन भी दे रखी है, धारा 498 आईपीसी का अपराध प्रसंज्ञान पुलिस रिपोर्ट पर या विधित पत्नी या उसके रिश्तेदारों द्वारा न्यायालय की जांच से प्रवाद पेश करने पर ही लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। और एक लास्ट सेक्शन है इसमें 199, मानहानि के लिए अभियोजन। 99 में मैंने बताई दिया आपको, कोई लोक सेवक है, मंत्री है, कुछ है, तो उसके खिलाफ कोई आदमी कुछ अनर्गल बातें कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या हो जाएगा? देखो ये मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं ले रहा हूं इसी को, इसके साथ ही ले रहा हूं, 202, 204 एक साथ ही ले रहा हूं, क्योंकि ये इसी का हिस्सा है। हमने अभी यहां पढ़ा था कि कंप्लेंट पर क्या कर सकते हैं, तो कंप्लेंट पर जब भी परिवाद आता है तो वो सेक्शन 200 दे रखा है। क्या दे रखा है? सेक्शन 200 में। तो सेक्शन 200 क्या कहता है कि भाई परिवाद आता है ना, तो जो भी विटनेस हैं उनके बयान दर्ज कर लेते हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और वहां प्रोसीड करते हैं। ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट आ रही थी ना, चालान आ रहा था, तब प्रोसीड करते हैं, ऐसे ही 200 में प्रोसीड करते हैं। अब क्या होता है, 200 में प्रोसीड करने की स्थिति यह है कि मान लो बयान दर्ज कर लिए, गवाहों के बयान दर्ज कर लिए, एक आदमी आया उसने कहा साहब मेरे पास सारे एविडेंस हैं, सब है, मैं तो आपके यहाँ सीधे ये दर्ज कराना चाहता हूँ, कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता हूँ। अब करा दिए, मजिस्ट्रेट को लगा कि प्राइमा फेसी केस इतना मजबूत बन नहीं रहा है, तो उसने क्या किया कि चलो एक काम करते हैं, हमारे यहाँ के एरिया के पुलिस वालों को उससे भी और एविडेंस कलेक्ट करवाते हैं इसके संबंध में। और 202 में पुलिस को जांच, जैसे पुलिस को जांच बोलते हैं कभी कभी, लेकिन होता वो इन्वेस्टिगेशन ही है। क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होता है, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को कह सकता है। अब यहां पर पुलिस क्या करेगी कि बिना मजिस्ट्रेट के, अब स्थितियां दो हैं कि 202 में किसकी जांच करा रहा है, कॉग्निजेबल की करा रहा है, नॉन कॉग्निजेबल की करा रहा है, और कहलाएगा इन्वेस्टिगेशन ही, ये भी क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिगेशन है ये भी। अब इस इन्वेस्टिगेशन में क्या अरेस्ट कर सकता है? अरेस्ट करने की पावर तो अभी भी है, लेकिन जहां लिखा हुआ है कि यहां वारंट से ही गिरफ्तार करेंगे, तो नॉन कॉग्निजेबल में नहीं करेगा, नॉन कॉग्निजेबल में, कॉग्निजेबल है तो कर सकता है यहां भी। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि मजिस्ट्रेट को लगता है यार पुलिस वाले को छोड़, मैं अपने तो किसी मजिस्ट्रेट को भेजता हूं, तो अपने सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को भेज दिया, तो उसको जांच कहेंगे, क्या कहेंगे, तो 200 में वो किसी पुलिस वाले को भी भेज सकता है या मजिस्ट्रेट को भी भेज सकता है। तो ये 202 और 200 दोनों साथ साथ आपको ध्यान रहने चाहिए। कभी कभी एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हम लेके कंप्लेंट लेके चले गए और कंप्लेंट में जाके पता लगा कि हम तो गलत मजिस्ट्रेट के आ गए, कंप्लेंट पेश कर लेके चले गए गलत मजिस्ट्रेट के आ गए, तो यहाँ ये व्यवस्था बता रखी है कि जिस मजिस्ट्रेट के आप गए थे उस पर एंडोर्स कर देगा वो मजिस्ट्रेट, जैसे लिखेगा अरे यार ये ज्यूरिडिक्शन तो मजिस्ट्रेट नंबर 5 के आता है, ये तो 3 ही है, तो उस पर लिख दिया प्रष्ठांकन, प्रष्ठांकन का मतलब है एंडोर्स करके ये लिख दिया कि फला कोर्ट में चले जाओ। बात समझ में आ गई? और यदि परिवाद में कुछ नहीं पाता है ना, परिवाद में कुछ भी नहीं पाता
तो परिवार को खारिज कर देगा। ऐसा लगता है कि शपथ पर साक्ष्य भी ले लिए लेकिन इसमें जांच में और इसमें विचारण में कोई दम नहीं है, पर्याप्त आधार नहीं है, तो खारिज कर देता है 203 में। तो ये आपने दोनों चैप्टर देख, तीनों चैप्टर देखे, ठीक है, आज इतना ही।